लाल डायरी का राज सुनिए। पहले पन्ने में मैडम एक्स, दूसरे पन्ने में हेलीकॉप्टर का किस्सा, तीसरे पन्ने में है सचिन पायलट का जिक्र। जैसे जैसे पलटेंगे पन्ना, गहलोत की हिलेगी कुर्सी। सीआरपीएफ और इनकम टैक्स की नजर बचाकर गुढ़ा ने बचाई थी ये डायरी, जो बन गया है काल। राजस्थान की राजनीति में मैडम एक्स कौन है, जिनका जिक्र बार बार इस लाल डायरी में हुआ है? लाल डायरी के किस पन्ने में क्या लिखा है? इन सवालों का जवाब पहले सुनिए, फिर उस इनकम टैक्स छापे की कहानी बताते हैं, जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा के पास ये लाल डायरी पहुंची और गहलोत ने तब ये तक गुढ़ा को कह दिया कि तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। हमारे सूत्र बताते हैं, लाल डायरी के पहले पन्ने में मैडम एक्स और दिल्ली का जिक्र है। अब ये मैडम एक्स कौन है, ये जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। दूसरे पन्ने में हेलीकॉप्टर का किस्सा भी है, जिसमें लिखा है बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी से क्यों भागे थे, निर्दलीय विधायकों को लाने गया हेलीकॉप्टर खाली क्यों लौटा था। तीसरे पन्ने में सचिन पायलट की बगावत का भी जिक्र है। उस वक्त गहलोत ने सरकार कैसे बचाई, विधायकों के लेनदेन का पूरा हिसाब है। इसके अलावा बाकी के पन्नों में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का भी जिक्र है, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं खेल हुआ है। अब अगर ये डायरी पुलिस के हाथ लग गई, तो बड़ा खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष भी डायरी देखते ही भड़क गए और गहलोत सन हैं, जबकि पायलट सीन से ही गायब हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस तलाशेगी। लेकिन उससे पहले सुनिए, लाल डायरी राजेंद्र गुढ़ा के पास आई कहां से। मीडिया माई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की, उसके कुछ समय बाद ही गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। धर्मेंद्र राठौर को डायरी लिखने की आदत थी, वो रोज का उनका डेली का रूटीन था, जैसे किससे मिलना है, किसे कितने पैसे दिए हैं, कहां कहां मीटिंग हुई है, सब कुछ खुद ही लिखते थे। ऐसे में धर्मेंद्र राठौर ने छापे के बाद पुलिस को फोन किया और कहा कि घर से मेरी डायरी निकलवा दीजिए, रुपए पैसे जाएं दिक्कत नहीं है, पर डायरी अधिकारियों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तब एडिशनल डीसीपी वहां पर पहुंचे और कहा कि हमें पता चला है, यहां एक विधायक छिपा कर रखे गए हैं, हमें तलाशी लेनी है, पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया। तब राजेंद्र गुढ़ा करणी सेना के 30 से 40 कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और हंगामा करते हुए अंदर घुस गए और डायरी लेकर बाहर निकलने लगे। तभी देखा सीआरपीएफ के जवान अंदर आ रहे हैं, तो आनन फानन में किचन की जालियां काटकर डायरी नीचे फेंक दी और नीचे से कोई ले गया, लेकिन गुढ़ा को सीआरपीएफ ने पकड़ लिया और अच्छी खातिरदारी की। तब गुढ़ा ने कहा डायरियां जला दी, लेकिन असल में वो डायरी उनके लोग ले गए थे और वही डायरी अब राजस्थान की सियासत का सच सामने लाने वाली है। अब डायरी की जांच कैसे होगी, क्या केंद्रीय एजेंसियां फिर से एक्टिव होंगी, क्योंकि सीआरपीएफ और आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने से जब फाइल गायब हुई, तो उन्होंने तुरंत गुढ़ा समेत उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। ऐसे में अब बवाल बढ़ चुका है, तो दोबारा से जांच शुरू हो सकती है। हालांकि देश की सियासत में इन डायरियों का किस्सा कोई नया नहीं है, समय समय पर नई डायरियां आती रहती हैं और नया सियासी बवाल मचता रहता है। अब इस डायरी के कितने पन्ने खुलेंगे, कितनी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। पर मसला अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा है, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप इस लाल डायरी के केस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।